मैसेज के तहत ही हमें कार्रवाई। पुलिस ने भलेसा गंदू में तिरंगा रैली निकाली। इस रैली को SDPO गंदू आदिल रेशू, SHO गंदू विक्रम सिंह ने सब डिवीजन ऑफिस रवाना किया। रैली में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के अलावा बुजुर्ग शहरियों और मकामी अफराद, एक्स सर्विसमैन और सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। कंडी कुपवाड़ा के लोगों ने DSC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने احتجاج किया। लोगों का कहना है कि देही तरक्की महकमे ने उनके इलाके में कब्रिस्तान के लिए हिसार बंदी का काम शुरू किया था, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम को रोक दिया गया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से जाती मुदाखलत की अपील की। उधर DDC मेंबर नतनोसा जहूर अहमद का कहना था कि लोगों की मुश्किल के पेश नजर इस काम को तरजीहात में रखा गया है। चूंकि हम कंडी से आए हैं, कंडी खास है समूचे माला पे, क्योंकि एसोसिएशन ग्रेजुएट अहल इस्लाम जैसे आमुत बला के जरिए जन DDC से बनो त्रोमुत बदकपी सान तक घर यम जो असर रुख वोल तुम दुस कर आव ठेकदर तम लागे तम सम आई बंद कर क्योंकि अच्छे बाबत इंतखाब तथा बाबत दान कनाल इन कर गरीब पसमान अति मुची खानदान रोजन वाल गरीब खानदान दाम अहल इस्लाम गण सरकार बिल्कुल अत रात नवी तहसीलदार सबन तरह वारक सम तर डिमार्केशन यह इन जमीन अपर यह अहल इस्लाम लुख लुख नहल तुम कस तय घर कर इलाके के लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ग्रेवयार्ड की फेंसिंग करनी थी लेकिन कुछ लोग हमें करने नहीं देते हैं, लेकिन आपने रुकुमात उसमें डाले हैं, क्या वजह है? देखिए हमने एक्चुअली वो जो है वो लैंड जो उस वक्त आइडेंटिफाई किया है गवर्नमेंट ने वो अहल इस्लाम एज पर रेवन्यू रिकॉर्ड दर्ज है, तो उसके बाद वो वहाँ के जो लोग हैं वो बाशिंदान हमारे पास आए, उन्होंने हमें बड़े मिन्नतें की, पिछले एक दो साल से वो मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें इस ग्रेवयार्ड की फेंसिंग चाहिए थी। अब पिछली बार मैंने वो प्लान में रखा है, उसमें मैंने 4-5 लाख रुपये रखा है तो उसकी फेंसिंग के लिए, अब वहाँ पर कुछ रुकावटें हैं तो हमारी भी ये गुजारिश रहेगी कि मसला हल होना चाहिए, ये काम जो है काम इसमें शुरू होना चाहिए क्योंकि आवाम सफर कर रहा है। मेढर जामा मस्जिद के इमाम और खतीब मौलाना मोहम्मद सुल्तान नक्शबंदी ने मेढर में खोली गई शराब की दुकान बंद करने की मांग की। मेढर के उलमा ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से एक जानिब नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब खित्ते पीरपंचाल में एक साजिश के तहत शराब का कारोबार शुरू किया जा रहा है। जामा मस्जिद के इमाम ने कहा कि मेढर टाउन में शराब की दुकान काबिल कबूल नहीं है, उन्होंने इस शराब की दुकान को बंद करने का मुतालबा किया। मैं अपनी इंतजामिया मेंबर्स की वसातत से जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ को SSP साहब को गुजारिश करूंगा कि हमारे इस इलाके में जो शराब की सरकारी दुकान खुली है इसकी तमाम आवाम मजम्मत कर रही है, और यहाँ तक के मुझे बहुत सारे पढ़े लिखे संजीदा जिम्मेदार हिंदू बरादरी के लोगों ने मुझे इसरार किया कि मूर्ति साहब आप इस दुकान को बंद कराइए, हम शाना बशाना आपके साथ हैं और पूरा पूरा आपका साथ देंगे, हमारी नस्लें खराब हो रही हैं, लिहाजा इसको जैसे भी हो बंद कराया जाए। ये दुकान जो शराब की ये बंद होनी चाहिए, और मैं भी गुजारिश करता हूँ कि सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि सरकार ने ये लोगों के लिए शराब की दुकानें खोल कर और गरीबों पे और बहुत टैक्स लगाए, किसानों पे टैक्स लगाए, लेकिन यह है कि एक तरफ जो मुल्की तौर पे मुल्की सतह पे जो है शराब खाना ये बंद करने या नशा जो है ये बंद करने की एक मुहिम चल रही है, चाहे वो कोई भी नशा हो ड्रग्स हो उसमें चल रही है, तो दूसरी तरफ जो है सरकार ने यहाँ पे हमारे इस इलाका के अंदर जो है ये शराब की दुकानें जो है हमारी नस्लों को बर्बाद करने के लिए, हमारे नौजवानों को खराब करने के लिए ये खोल दी है। फौज ने बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मेढर में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल